हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा में आपका स्वागत है। आज हम मलाई कोफ्ता बनाएंगे, तो हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक बोल लिया है, 150 ग्राम मैश किए हुए आलू हैं और 150 ग्राम मैश किया हुआ पनीर है, 1 इंच बारीक कटी हुई अदरक है, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। हरी मिर्च और अदरक से कोफ्ते का स्वाद बढ़ जाता है। 1/2 छोटी चम्मच नमक है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला है, 3 छोटे चम्मच कॉर्न स्टार्च है। कॉर्न स्टार्च हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। सबको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हमने सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये एक डो की तरह हो गया है। अब हम कोफ्ते बनाते हैं। थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और हथेली पर रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, दबा के थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखेंगे और बंद कर देंगे। गोल गोल घुमाते हुए एकदम चिकनी और स्मूथ बॉल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कोई क्रैक नहीं है, एकदम चिकनी बॉल बनी है। तरह हम सारे बॉल तैयार कर लेंगे। ये सारे बॉल बना के तैयार कर लिए हैं, एकदम स्मूथ है, इनमें कोई क्रैक नहीं है। अब हम डीप फ्राई करते हैं। कढ़ाई में तेल गरम होने रखा था, तेल गरम हो गया है, बॉल डालते हैं। हमने सारे बॉल कढ़ाई में डाल दिए, 2 मिनट तक ऐसे ही सिकने देते हैं, ना टच नहीं करेंगे, नहीं तो ये फट जाएंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। 2 मिनट हो गए, नीचे से सिके हुए दिखाई दे रहे हैं, हम पलट देते हैं। कलछी नहीं लगाएंगे, चम्मच से पलटेंगे। तब तक कोफ्तों को पलट पलट के सेकते रहेंगे जब तक कि कोफ्ते गोल्डन नहीं हो जाते। कोफ्ते अच्छी तरह सिक गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है, निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कोफ्ते काफी अच्छे बने हैं, कोई कोफ्ता फटा नहीं है। अब हम कोफ्ते के लिए करी बनाते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, 1 बड़ा चम्मच तेल है, डाल देते हैं। 1/2 छोटी चम्मच जीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 1 तेज पत्ता है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है और 7-8 काली मिर्च है। हम खड़े मसाले डाल रहे हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, उससे भी ग्रेवी अच्छी बनेगी। 1 कटी हुई प्याज है। सबको भूनते हैं, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का ही भूनेंगे। 1 इंच बारीक कटी हुई अदरक है। अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो 3-4 कलियां लहसुन की काट कर डाल सकते हैं। प्याज भुन गई है, प्याज को हमने हल्का ही भुना है, ब्राउन नहीं किया है। प्याज से डबल टमाटर हैं, 2 टमाटर हैं। अब बचे हुए मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। सबको थोड़ा भूनते हैं। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, अगर आप ज्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं। आठ दस काजू हैं, मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं। अब हम पानी डालते हैं। 1/2 कप पानी है, 1 छोटी चम्मच नमक है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सबको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और कढ़ाई का ढक्कन लगा देते हैं और टमाटर को गलने देते हैं। अब चेक करके देखते हैं, टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं और काजू भी सॉफ्ट हो गए हैं। 1 छोटा चम्मच चीनी है, चीनी डालने से करी का टेस्ट बढ़ जाता है,
गैस ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम प्यूरी बनाएंगे। अब हमने प्यूरी बना ली है, अब करी बनाते हैं। कढ़ाई के ऊपर एक छन्नी रख देते हैं और पेस्ट को छानते हैं। छानने से जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो स्मूथ और चिकनी होगी। मैं थोड़ा पानी डाल के छन्नी को धो लेते हैं। छन्नी को हटा देते हैं और करी को पकने देते हैं। थोड़ी क्रीम डालते हैं। कढ़ाई का ढक्कन लगा देते हैं और ग्रेवी को 5 मिनट पकने देते हैं। चेक करके देखते हैं, ग्रेवी अच्छी तरह पक गई है और पहले से काफी गाढ़ी हो गई है। अब इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, गैस ऑफ कर देते हैं और कोफ्ते सर्व करते हैं। कोफ्ते हम प्लेट में लगा लेते हैं। अब कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी डालते हैं। हमेशा कोफ्ते के ऊपर करी को डाला जाता है, करी में कोफ्ते नहीं डाले जाते। अगर हम करी में कोफ्ते डाल देंगे तो कोफ्ते उसमें बिखर जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। धनिया से गार्निश कर देते हैं। अब थोड़ी क्रीम डाल देते हैं। अब हम आपको कोफ्ते दिखाते हैं। कोफ्ता आसानी से कट रहा है, काफी सॉफ्ट है, खाने में भी लाजवाब है। आप भी कोफ्ते बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी।